जींद का प्रधान सुशील अठरू जी, और अगर सरकार ये सैलरी वाला और ड्यूटी पीरियड वाला लेटर जल्दी जारी नहीं करती तो मैं फिर मजबूरन ये पेन डाउन करके स्ट्राइक पे आना पड़ेगा। कि 15 अगस्त की संध्या को, स्वतंत्रता दिवस की संध्या पर मुख्यमंत्री हरियाणा और CAWS के राज्य करने के साथ एक समझौता हुआ है। हम मानते हैं, हमने दो बातों पर समझौता किया। सरकार ने कहा कि कमेटी बना दी जाती है क्योंकि 114 डिपार्टमेंट है, इनकी समीक्षा करनी है। खैर, हमने माना उस बात को, लेकिन एक बात और इसमें निकल के आई थी कि जो 42 दिन का जो आंदोलन आप लोगों ने किया, लिपिक वर्ग ने किया है, उस पीरियड को कंडेम करने की बात कही थी। लेकिन अब सरकार धोखा शुरू किया, सरकार ने, हमारी एक ही डिमांड है, हमने उस दिन भी कही थी एक बात कि जो ये नो पे का जो पत्र जारी किया है सरकार ने, इसको रद्द करें। अगर सरकार उस पत्र को रद्द नहीं करती तो हम कमेटी का बहिष्कार करते हैं। आपके माध्यम से मैं पूरे हरियाणा को बताना चाहूँगा कि हम उस कमेटी का बहिष्कार करेंगे, हम कमेटी में कोई मेंबर नहीं देंगे जब तक लिपिक वर्ग की 1.5 महीने की तनख्वाह इनके जेब में नहीं आएगी। हम कमेटी का विरोध करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अपील करते हैं मुख्यमंत्री जी से कि अगर आप लोगों को बातचीत करनी है, आप लोगों को कमेटी बनाई है, उसको लागू करना है, तो आप लोगों को माहौल बनाना पड़ेगा। सबसे पहले नो पे जो पत्र इन्होंने निकाला था उसको इन्होंने वापिस लेना पड़ेगा। अगर वापिस नहीं लेते तो हम कमेटी का विरोध करेंगे और आंदोलन की ओर चले जाएंगे। ये पूरी की पूरी जिम्मेवारी हरियाणा सरकार की होगी। टोटल कितने विभाग इसमें सम्मिलित हैं? 114 है सर, 114 डिपार्टमेंट। टोटल जो कैंडिडेट हैं धरना प्रदर्शन में? धरना प्रदर्शन में लगभग हम 32 से 35 हज़ार तक के हैं, लगभग 35 से ऊपर भी हैं हम जी, जो हमारे पास रिपोर्ट आई है। तो ये सभी के सभी, अगर नो वर्क नो पे का लेटर वापिस सरकार नहीं लेती, रद्द नहीं करती, तो आंदोलन। आपने विधायक सुभाष गांगुली को ज्ञापन दिया है, तो किस तरीके का आश्वासन मिला है? आज का जो हमारा कार्यक्रम था पूरे राज्य में विपक्षी विधायकों को मांग पत्र देने का था, और विधायक जी से हमारी बात हुई है, इन्होंने बहुत अच्छा कहा है कि हम विधानसभा में इस बात को उठाएंगे। उठाते हैं तो बहुत बढ़िया है, इनका राइट भी बनता है। विपक्ष का काम है जनता कर्मचारियों को संभालना, सरकार नहीं संभाल रही तो विपक्ष ने इसको संभालना चाहिए। तो सुभाष जी ने, गांगुली जी ने जो आश्वासन दिया उससे हम संतुष्ट है, इन्होंने वो काम करना चाहिए और हमें आशा है कि ये करेंगे वो काम। ये पूरी वार्ता आपने सुनी, 114 विभाग, 35,000 के करीब कर्मचारी, आखिर उनकी डिमांड कब तक पूरी होगी, होगी या नहीं होगी, ये भविष्य के गर्व में है, जिसके बारे में आप हमारे से जुड़े रहें। और तमाम तस्वीरों के लिए खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और एक नई अपडेट के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।